हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर डाली गई वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कुछ मेरे दोस्त शुभचिंतक प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे आप सबको भी मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज आपको ज़्यादा नमक के सेवन से शरीर में होने वाले नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर उत्पन्न करता है, जो हमारे रक्तचाप को बढ़ाकर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। यही नहीं, इसके अधिक सेवन से दिल के रोग, किडनी संबंधी रोग व स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। यदि हम और गहनता से इसका अध्ययन करें तो नमक का अधिक सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस, हाथ पैरों में सूजन, डिमेंशिया, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों को भी जन्म देता है। तीखा नमकीन चटपटा खाना हम सब की कमजोरी होती है। खास तौर पर नमकीन खाद्य पदार्थ के बिना तो हम रह नहीं सकते, इसलिए हमारे सभी खाद्य पदार्थों में नमकीन व्यंजनों की मात्रा अधिक होती है। परिणाम ये होता है कि हम स्वाद स्वाद के चक्कर में दिन भर में औसत से अधिक नमक का सेवन कर लेते हैं। हमें पूरे दिन में 3 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। इससे अधिक नमक के सेवन से हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिक नमक से होने वाले नुकसानों से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारे शरीर को नमक की ज़रूरत क्यों होती है। अधिक नमक का मतलब है सोडियम की अधिक मात्रा। जी हाँ, शुद्ध नमक सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बनता है। इन तत्वों को शरीर नहीं बना पाता है, इसलिए भोजन में इन्हें लिया जाता है। यह शरीर में तमाम खनिजों के बीच संतुलन बनाने व कोशिकाओं को सक्रिय रखने के लिए जरूरत होता है। शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए भी हमें सोडियम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क से शरीर के अन्य अंगों तक व अन्य अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। अब आपको यह अच्छी तरह से मालूम हो गया कि शरीर को नमक की ज़रूरत क्यों है। अब सवाल यह है कि हम अधिक नमक के सेवन से होने वाले नुकसान से कैसे बचें। आपको यदि बिना नमक के खाना खाने के लिए कहा जाए तो तुरंत ही आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, परंतु यहाँ पर आपको नमक का सेवन एकदम बंद करने की बात नहीं कही जा रही है। आप भली बात जानते हैं कि शरीर में नमक की अधिकता प्रतिदिन के भोजन यानी दाल चावल रोटी सब्जी के जरिए होती है। सोडियम की अधिकता का कारण वह नमक है जो कि पैक्ड खाद्य पदार्थों जैसे नमकीन, पापड़, चिप्स, अचार, केचप, केक, बटर, चीज, बिस्कुट, सूप जैसे पदार्थ होते हैं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ में नमक की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए यदि आप नमक के सेवन को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले पैक्ड वस्तुओं का सेवन बहुत कम करें। खाने में हल्का नमक डालकर पकाएं, ऊपर से कभी भी नमक न डालें। नमकीन मूंगफली, नमकीन मेवे और पिज्ज़ा आदि खाने से बचें। जब भी खाना खाने के लिए बाहर जाएं तो पहले ही वेटर को बता दें कि उनके ऑर्डर किए खाने में कम नमक डाला जाए। यदि आपको यह मालूम हो जाए कि आपके शरीर में नमक अर्थात सोडियम की मात्रा अधिक हो गई है तो आप इन उपायों से नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सोडियम की अधिक मात्रा आपके शरीर में हो गई है तो ऐसे अवस्था में आपको अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि अतिरिक्त सोडियम शरीर से बाहर निकल जाए और इससे होने वाले नुकसान से आप बच सकें। नमक की अधिकता से हो रही समस्याओं से बचने के लिए अपनी डाइट में फलों व हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें, ताज़ा जूस पिएं व खट्टे फलों का सेवन अधिक करें। मांसाहारी भोजन में
काफ़ी मात्रा में सोडियम होता है, इसलिए मछली व चिकन मटन खाना तुरंत बंद कर देना चाहिए। आप व्यायाम करें और शरीर से नमक की मात्रा घटाएं। जी हाँ, यदि प्रतिदिन या हफ्ते में 5 दिन भी आप व्यायाम करते हैं तो शरीर से पसीने के रूप में काफ़ी मात्रा में सोडियम निकल जाएगा। यदि आपको शरीर में नमक की मात्रा अधिक होने से परेशानियां हो रही हैं तो आप जिम या घर पर व्यायाम कर पसीना बहाना शुरू कर दें। आप अपने भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल करें। साथ ही चाट, मसाला, अचार, चटनी व पापड़ इत्यादि नियंत्रित मात्रा में खाएं। जिन्हें बीपी, किडनी संबंधित बीमारियां हैं वे तो भूल कर भी इन चीज़ों का सेवन न करें। जो लोग अपने खाने पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं उनके लिए बाज़ार में लो सोडियम नमक भी मौजूद है, जो कि स्वाद में बिल्कुल सामान्य नमक जैसे होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की पूरी मात्रा को पोटेशियम साल्ट में बदल दिया जाता है। किंतु आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं है तो इसका इस्तेमाल ना करें। लो सोडियम नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह नमक भले ही तनाव वाले मरीजों के लिए तो उपयोगी हो सकता है, पर किडनी से जुड़ी बीमारियों व दिल के मरीजों को यह नमक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस नमक में पोटेशियम की अधिकता सेहत पर भारी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त आवश्यक सुझाव यह है कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित रखने के लिए अचानक से नमक खाना बंद नहीं करना चाहिए। अपनी डाइट में नमक की मात्रा धीरे धीरे कम करनी चाहिए, साथ ही खूब सारा पानी पिए ताकि शरीर से सारे विषैले तत्व निकल जाएं। ऐसे लोग जिन्हें किडनी से संबंधित बीमारियां हैं उन्हें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह परेशानी किडनी से जुड़ी होती है। उन्हें शरीर से अतिरिक्त पोटेशियम बाहर निकालने में परेशानी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे को संतुलित रखने का काम करते हैं। यदि आपको एसी कमरे में बैठकर खाना खाने पर भी बहुत अधिक पसीना आता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बीपी अचानक से बढ़ जाती है व हाथ पैरों में सूजन रहती हो तो यह सभी लक्षण शरीर में अधिक नमक अथवा सोडियम होने का संकेत हो सकता है। ऐसे हालात में तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आप सेहत को होने वाले भारी नुकसान से बच सकें। नमक की अधिकता से ही सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए तो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा थकान, डिहाइड्रेशन, निम्न रक्तचाप और मांसपेशियों में खिंचाव तथा कमजोरी हो सकती है। इन बीमारियों को भी आपको गंभीरता से ध्यान देना होगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करने का कष्ट करें तथा अपने प्रिय इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिसे उन्हें भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके।